लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं और आज कांग्रेस को जो झटका मिला है वो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाकर ने भी कमलनाथ का कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, अब वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आखिर क्या वजह रही उन्हीं से जान लेते हैं। सर, जब आपके नगर निगम चुनाव परिणाम आए थे तब काफ़ी चर्चा थी और खबरें भी काफ़ी सुर्खियों में थी, लकड़ी बीनने वाले महापौर बने कमलनाथ की वजह से उन्होंने महापौर बन पाए, और छिंदवाड़ा को अभेद किला भी कहा जाता है, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ बन रही है कि लोग कमलनाथ का साथ छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए, आज पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ जुड़ना चाह रहा है, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ना चाह रहा है। छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं इससे कुछ समय से अछूता रहा है, लेकिन अब छिंदवाड़ा की लोग भी, जो डबल इंजन की सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विज़न है, उनके साथ जुड़कर छिंदवाड़ा भी चलने को तैयार है। क्या स्थितियाँ बन रही हैं कि अभी आपने देखा कि 7 विधानसभाओं से जो कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि 23 के चुनाव में कई दिग्गज चुनाव हार गए थे कांग्रेस के, लेकिन छिंदवाड़ा की 7 सीटें कांग्रेस ने जीती। वहाँ से पहले आपके साथ ही एक कांग्रेस के विधायक ने साथ छोड़ा, अब आप भी जो है छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ऐसी क्या स्थितियाँ बन रही हैं? देखिए, हर क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्र में विकास चाहती है, और 2019 की बात करें या 2023 की बात करें, जब 7 सीटें जीती तो एक लहर थी कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। छिंदवाड़ा की जनता ने भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था, जिसके जो कि किसी कारण बस सरकार नहीं बन पाई, इसलिए छिंदवाड़ा के विकास का जो डबल इंजन की सरकार है वो छिंदवाड़ा उससे कहीं ना कहीं अछूता रह रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और छिंदवाड़ा प्रदेश के साथ और देश के साथ जुड़कर काम करेगी। अच्छा, इसे क्या लगता है आपको कि जैसा भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने, तो ये जो नेतृत्व बना है उसके बाद से लगातार कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं और कई विधायक पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, तो क्या इस वजह ये भी वजह है पार्टी छोड़ने की लोगों की? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब से प्रदेश कांग्रेस की कमान पटवारी जी को मिली है तब से हम आए दिन देख रहे हैं प्रदेश के प्रतिदिन कहीं ना कहीं के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक उदासीन नेतृत्व का उदाहरण है। तो बिल्कुल, ये विक्रम आके हैं जिनका ये कहना है कि जब से जीतू पटवारी बने हैं तब से कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि छिंदवाड़ा में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, महापौर भी रहे हैं, लेकिन अब विधायक भी महापौर भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ का साथ छोड़कर जा रहा है। तो उनका कहना है कि सिर्फ एक ही मुद्दा है विकास का, इसलिए सिर्फ अब केंद्र और राज्य सरकार जिनकी है उस पार्टी के साथ गए हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और छिंदवाड़ा में विकास करना है। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।